नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीवी नाइन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता, और देखिए ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। अपडेट यही है कि पूरी की पूरी 29 सीटें जो मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव में रही हैं, उन पर बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए है। लगातार दो सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और बड़ी खबर आपको बता दें, वो दो सीटें हम आपको बता दें कि टीकमगढ़ से जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें अभी तक उनको कुल 7,15,000 वोट मिल चुके हैं, वहीं जीत का मार्जिन जो है 40,000 रहा है। अगर बात करें इंदौर सीट से, तो इंदौर सीट से शंकर लालवानी बीजेपी के प्रत्याशी थे और अब तक की रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी जीत दर्ज की है शंकर लालवानी ने। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंदौर में कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, उनके विपक्ष की साइड से कोई भी ऐसा कैंडिडेट वहां पर नहीं था कि जो शंकर लालवानी के सामने वहां पर रहे, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो एन समय पर ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। जाहिर सी बात है, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ जीत तो ये कही जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि यहां पर इंदौर सीट पर नोटा ने भी बड़ा खेला कर दिया है। नोटा को भी इस बार अगर देखें तो नोटा को बहुत ही अच्छे खासे वोट दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अपील की गई थी कि इस बार नोटा पर वोट दें। कांग्रेस के प्रत्याशी जब अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस या गठबंधन की तरफ से समर्थन नहीं दिया गया था, बल्कि नोटा पर वोट करने की अपील की गई थी। जिसके बाद नोटा पर हम आपको बता दें कि अभी तक 2,18,000 वोट पड़ चुके हैं, यानी कि ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। नोटा का अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इतिहास है कि नोटा को अभी तक 2,18,000 वोट पड़े हैं। वहीं शंकर लालवानी ने जीत दर्ज कर ली है। कुल शंकर लालवानी को हमने आपको बताया कि 12 लाख वोट शंकर लालवानी को मिले हैं। 12,26,751, तो रिकॉर्ड तोड़ जीत शंकर लालवानी ने इंदौर सीट से दर्ज की है। बाकी सीटों का भी आपको अपडेट